नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूपल की रसोई में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी बर्फी तैयार करी है और बहुत ही हेल्दी। हमने इसे सिर्फ एक चम्मच घी और बिना चीनी के तैयार करा है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए भुना हुआ चना और साथ ही हमने मूंगफली लिए जिसे भी हमने भून के रखा है। एक कटोरी हमने लिया है मखाना, तो तीनों का रेशो हमने बराबर रखा है। अब इस मूंगफली को हम छिलके सहित दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। तो छिलका हमने रहने दिया है क्योंकि हम वाइट बर्फी नहीं तैयार करें। उसी तरह हम अपने चने को भी पीस लेते हैं और मखाने को भी पीस कर साइड में रख देते हैं। अब कढ़ाई में हम डालेंगे सिर्फ आधा चम्मच घी। तो छोटा आधा चम्मच हमने घी का इस्तेमाल करा है और इसे मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं हम अपना दरदरा पिसा हुआ मूंगफली का दाना और 2 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट तक इसे चलाएंगे क्योंकि हमारा जो दाना है ऑलरेडी रोस्टेड है। और इसी के साथ 2 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे अपने पीसे हुए चने और अब इनको मिलाकर हमें टोटल 5 मिनट ही पकाना है। तो हल्का सा इसका कलर चेंज होगा और एक अच्छी सी खुशबू इसमें आने लगेगी। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाया है। तो देखिए, इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे उसी कटोरी से मेज़र करके 2 कटोरी भरकर दूध। एक हमने डाल दिया था और ये दूसरा, और फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें इसे पकाना है। इसी के साथ उसी कटोरी से हम डाल देंगे इसमें जेगरी पाउडर। तो हमने इस्तेमाल करा है 1.5 प्याला अपना। आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। तो एक हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आधा हम इसमें अब और डाल देंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है और आधा इसमें छोड़ देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्लेम को हमें अभी एकदम स्लो रखना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा हो जाएगा। गुड़ हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने मखाने का पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है और ये नीचे पैन में अभी चिपक रहा है। तो हम इसमें डाल देंगे अब तले में आधा चम्मच घी और, जिससे गुड़ हमारा नीचे जलेगा नहीं और चिपकेगा भी नहीं। और सारा मिश्रण हमारा एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये देखिए, घी डालते ही इसने पैन को छोड़ दिया है और ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है। और इसने पैन भी छोड़ दिया है। तो अब ये जमने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब हम इसे किसी प्लेट में सेट कर लेते हैं। तो एक थाली में मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा है घी को और उसमें हम अपने इस मिश्रण को सेट कर देते हैं। और अच्छे से हम इसे प्रेस कर देंगे इस तरह से।
और ऊपर से हम इस पे डाल देंगे कुछ खसखस के दाने, जिससे दिखने में बहुत ही अच्छा भी लगेगा। और इसे सेट होने के लिए हम रख देंगे फ्रिज में, या बाहर रूम टेम्परेचर भी से सेट कर सकते हैं। और वापस से हम इन दानों को एक बार प्रेस कर देंगे, जिससे अच्छी तरह से सेट हो जाए। और दोस्तों, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो 2 घंटे के लिए हम इसे सेट करने के लिए छोड़ चुके थे, अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो आप अपने मन चाहे आकार में इसको कट कर लीजिए। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हेल्दी हमारी बर्फी तैयार होती है, आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। और एक हम आपको निकाल कर भी दिखा देते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी बर्फी बनी है। अब हम इसे किसी ट्रे में सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, तैयार है हमारी बर्फी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर